वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट एक और बारी। मतलब बहुत दिन हो गए थे उसे खेले, तो मैंने सोचा आज फिर से खेलते क्योंकि उस वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे, 41। और गाइस मुझे ये पता नहीं लग रहा, मेरे एकदम से एक वीडियो पे ना वो अभी उसे 9 दिन हुए हैं और वो सबसे ज़्यादा व्यूड है, वो सबसे जल्दी भी मेरे व्यूज़ आए हैं। पता नहीं वो कैसे हुआ। गाइस इस वीडियो को भी वैसे ही इतना जल्दी वायरल कर दे, तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी करने हैं। 100 नहीं सॉरी 1K का था गोल, तो 1K पे मैं अपना फेस स्कैन करूँगा। यस इसलिए जल्दी से कर दो 1K कर दो, और फिर मुझे 200K पे वो भी प्ले बटन मिलना है, वो क्या कहते हैं सिल्वर प्ले बटन, इसकी कर दो यार। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने वो स्टोन के टूल्स बना लिए थे और हमें आयरन नहीं मिल रहा था, तो मैं जब वहाँ पर मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी, मुझे चर्चा था क्योंकि मैं ज़्यादा उसे बड़ी बनाऊँ पर वो बन नहीं सकी, इसलिए मैं अब फिर से बना रहा हूँ। और ये सोच रही हूँ कि ये क्या है, ये एक विलेज है और इस विलेज के अंदर मैं आया मैं कुछ मुझे आगे था ना, जब मैं वहाँ पर शवल से ग्रेवल को माइन कर रहा था तब वहाँ पर मुझे आगे जाते ही ये विलेज मिल गया। और मैंने अपना सामान किधर लिया ये आपको बताता हूँ। मैंने एक घर भी बनाया है यहाँ से, यहाँ पे छोटा सा, वैसे छोटा तो नहीं है, ट्रेड करेगा क्या, चल निकल। किसने मारा है, अच्छा तू मार रहा है, अभी मैं अपनी स्वॉर्ड से जाता हूँ। ये थूकी फेंकी है क्या इसने मुझे मेरे ऊपर थूक, वो देखो वो रहा मेरा घर। और अमीरों की वाइफ देने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया 2 एमरल्ड के ब्लॉक्स, और यहाँ पर इतने सारे बेड, और ये ऐसे हैं वाइट येलो वाइट येलो वाइट ऐसे करके हैं। और यहाँ पर मुझे स्टोन कटर भी मिला था और ये ब्रूइंग स्टैंड, और ये चेस्ट मैंने खुद बनाया, और ये फर्नेस भी। तो इससे हम पोशंस क्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक पोशन क्राफ्ट करके दिखाता हूँ। उनको अभी रात ही है, हाँ रात में मैं ये पोशन क्राफ्ट कर सकूँगा। ये मैंने यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें रख दी है, और ये यहाँ पर, और मुझे मैंने ये आयरन की पिकैक्स भी क्राफ्ट कर ली थी। तो अभी मुझे जाना होगा ये स्टोन इकट्ठा करने, मुझे ज़्यादा तो पोशन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा वीकनेस का पोशन ना बन जाए, क्योंकि सुना है कि ये वीकनेस का ही बनाता है, या फिर मेड्रुएट का वो क्या कुछ कहते हैं उसे। और रुको मुझे फर्नेस स्मेल करना पड़ेगा, फर्नेस में कुछ नहीं रखा यार, वुड काट के लानी पड़ेगी, काश मेरे पास कोल होता, शायद है पर उसको बचा, मैं उसे स्मेल्ट करके फिर से मैं उससे कोल बना सकता हूँ। मैं क्लच नहीं कर सकता यहाँ पे जब मैं इतना ऊंचा हो रहा हूँ, इनके घर को ही माइन कर लेता हूँ। आपको अगर ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि ये ना लकड़ी से ना हम वो और भी वो क्या कहते हैं ना वो हम उससे कोल क्राफ्ट कर सकते हैं। चलो इतना काफ़ी है, कोल तो वैसे ही थोड़ा सा चाहिए था क्योंकि एक ही कोल से काम बन जाना था, क्योंकि कोल बहुत देर रहता है, कोल का ब्लॉक सोचो कितनी देर रहेगा। तू मेरे घर में, अच्छा चलो इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे, मैं इसे ट्रेड किया करूँगा, चल तू सो जा। ये हाँ मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ विलेजर को यहाँ पर ट्रेड करूँगा, तो मुझे आप बस आपको ये सिंपल सी चीज़ करनी है,
जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया और ये रख दिया। अभी ये वुड प्लैंक्स वुड को स्मेल्ट करेंगे और वुड वुड को भी स्मेल्ट कर सकती है। ये देखो अब ये बन गया चारकोल, पहले था कोल और ये बन गया चारकोल। ये वुड के अंदर होते हैं चारकोल्स, तो मैं ये सारे बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, जब ये ख़त्म होगा मैं और भी रख दूँगा अंदर। और ये यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ और ये यहाँ पे रख देता हूँ। देखो एक जगह कोल बन रहा और यहाँ से ओए सारे खत्म कर दिया। जितने बचेंगे तो मुझे उससे ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद तो चार कोल यहाँ से उठाए, यहाँ पे डाल दिए। ये होता है बिग ब्रेन। नहीं नहीं ओ नहीं, ये यार ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। ओ मैं यहाँ से उठा ली। अरे यार लो मेरा सारा कूल वेस्ट गया, यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो मैं एक प्लांक बना लेता हूँ। चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब मेरे पास दो आ जाएंगे। नहीं अबे यार एक काम करता हूँ, इसे बहुत देर के लिए यहीं पर रहने देता हूँ। ये फिर से उड़ गई। जल्दी निकल, मुझे काम भी करना है। और इतनी देर घर में मैंने टाइम बिता दिया, कितने हो गए 7 मिनट मैं घर में रहूं। चलो हो गया काम। प्लैंक्स को यार क्या मसला है इसे, अब तो प्लैंक को भाग के आ गई है। ये क्लच कर रहा है, कर लिया तो वो आ गए थे सामने। एक्चुअली गाइस अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूं तो मैंने एक मोड लगाया हुआ है और इसमें ये मत है और ये कुछ नहीं करते, बस ये देते हैं हमें कुछ चीज़ें, ये शाइनी और देते हैं। ये देखो ये शाइनी स्केल और ये सी लैंटर्न, और ये मेरे कुछ काम के हैं नहीं इसलिए मैं इन्हें रख देता हूँ। और ये वो भी चेंज हो जाता है यहाँ पर, देखो जैसे ये और इसका एरो भी, और भी कुछ चीज़ें चेंज होती होगी और न्यू आइटम्स भी आती होगी पर मुझे नहीं पता उनके बारे में। सारे कोल किधर गए? चलो तो यहाँ पर मैंने नहीं खेलनी अगर ये फिर से हुआ तो। और शायद इतने से काम बन जाएगा, एक तो ग्लास बनना चाहिए। हाँ ये, अरे एक नहीं 9 बन रही है। चलो 3 बनाने हैं, चलो बहुत सारे बना देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी मुझे यहाँ पर जाके इन बॉटल्स को भर लेना है। और खैर मुझे ब्रूइंग स्टैंड पे जाना है, बल्कि मेरे पास वो चीज़ है, मैं सुबह को भी कर सकता हूँ। चलो और यहाँ पर डाली और ये, और मुझे यहाँ पर डालनी है स्पाइडर आई। चली जा स्पाइडर आई। अब ये शायद ये नहीं चलेगी, मुझे और ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने फालतू में बना ली। चलो पानी पी लेते हैं। नहीं ये मैंने क्या कर लिया यार, फालतू में इतना टाइम लगा लिया है। तो आज का हमारा मोटिव होगा इतना रख लेते हैं कि हम आयरन का टूल बना सकें। और इन बॉटल्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें उठा लेता हूँ। ये खाना भी चाहिए होगा, ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे, ये खाना और पिकैक्स भी, खाने की तो सख्त ज़रूरत है। और कोई खाना है नहीं, और ये मैप की तो ज़रूरत पड़ेगी शायद से। दिखाओ
हाँ ये तो वही ये वाला मैप है। और मेरे पास ये 64 सीड्स है यार, बहुत देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसे देख के। तो चलो हम चलते हैं अपने एडवेंचर पे। तो याद रख लेता हूँ किधर है ये, एक सी आइलैंड पे है। चलो वैसे ही मैं इस साइड को आ जाऊंगा। चलो चलते हैं। एक काम करता हूँ मैं शवल तो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं शवल बना लेता हूँ। ओ यार वुड काटनी पड़ेगी फिर से। और मेरा ये हाउस भी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी हम अपग्रेड करेंगे टेक्नो गेमर जैसा कैसे बनूंगा मैं। अब पता नहीं वो मैं कंप्लीट कर भी पाऊँगा क्या नहीं, ये वाला ही नॉर्मल सा घर कंप्लीट होगा क्या नहीं। मैं यहीं पर क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो वहाँ पर उधर घूमते रहूँ। तो चलो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसके प्लैंक्स, ये। अरे यार कितनी बार ये बोलूँगा। चलो ये 64 बन सकते हैं क्या, वो बन गए। और मैं चार शवल भी बना सकता हूँ। अरे वो तो लकड़ा के बनेंगे। एक काम करता हूँ इनको भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि स्टिक्स ज़्यादा ज़रूरत आएगी। हाँ मुझे तो टॉर्चेज भी चाहिए होंगी। और ये गई सारी कोल, सारा कोल। और यहाँ पर मुझे क्या बनाना था, शवल बनाना है। स्टोन तो है नहीं, लो भाई। चलो यहीं से मिल जाएगा स्टोन, लो। मैं अब एक्स से काट दूँगा। कितनी एक काम करता हूँ थोड़े से और ले लेता हूँ क्योंकि शायद वहाँ पे और भी शवल बनाने पड़े, क्योंकि पता नहीं वो कितना डीप डीप डाउन करना पड़े। और मैं शवल पहले से ही बना लेता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल भी लेके चलता हूँ, मुझे बहुत सारे चाहिए होंगे ये। ये तो मुझे रखना है ये यहाँ पे। यार क्राफ्टिंग क्यों नहीं देते ये, पाल पे आ रहा होगा ये रहा। और मुझे इतने वेस्ट नहीं करने क्योंकि पिकैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलो हो गया दिमाग का दही, अब निकलते हैं यहाँ से। मैं सीधा इधर डिग डाउन करूँगा, ऐसे डिग डाउन करेंगे ना सकते हैं। अल्लाह फालतू में इतने सारे बना लिए, इतना ही तो डिग डाउन करना था। मैं इससे अच्छा पिकैक्स बना लेता। चलो चले हम अपनी मंजिल पर, इसको यहाँ पे और यहाँ पे। अब मेरी इन्वर्टी सही है गाइस। अभी मैं चूची चार्ज का भी गेम प्ले बनाऊंगा और उसको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, मतलब ऑनलाइन डाउनलोड करना, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत मतलब ढूंढना पड़ेगा अभी उसके लिए। तो बाद में मैं आपको ऑफलाइन वाला सिखाऊंगा, पहले मैं ऑनलाइन वाला सिखा दूंगा। पहले मैं उसका गेम प्ले बनाऊंगा, फिर उसके पार्ट्स बनाऊंगा, फिर उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दे दूंगा वो। मैं हो इधर गया, नीचे चलो, ऊपर चलो रे। मैं उसके बाद आपको दूंगा वो ऑनलाइन डाउनलोड। और मुझे पता नहीं कि वो प्रोग्रेस सेव करता भी है कि नहीं, पर चलो ठीक तो है। इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ और ये हो गया कवर। इतना लकी हूँ मैं, यहाँ से भी पानी आ रहा है। चलो प्लीज बच गया, अब ना आइए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, वो वार्डन की डार्क सिटी में, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, भूल गया मैं। और ये क्या
के आना चाहिए था। खाना खाओ रे, खाना खाओ, खाओ खा लेता हूँ। वो वहाँ पे मॉब्स हैं, यहाँ पे मर गया ना, इतना रेयर चांस मैं लॉस्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे डायमंड्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पर लजूली, टाइम पर लजूली चला गया मेरी गोद में। अब तक यहाँ पर फंसा रह गया। अब मुझे थोड़ी सी इंचार्जमेंट भी करनी है जब मैं डायमंड खेलूँगा। ओए होए क्या टूटा है वो, वहाँ पर आयरन दिखा मुझे। ओए होए ये यहाँ पे, उधर जाने के लिए ब्लॉक नहीं है। चलो चलता हूँ। मॉब जा वहाँ पे, मॉब जा, मॉब जा। यहाँ पर मैं करूँगा क्या यार, कुछ हो तो नहीं है, मदद लगता है क्या, नहीं सोचता सीधा चल जाता है। आगे को चलता हूँ। पहले सो जाता हूँ और यहाँ से एक बेड लेके निकलूंगा। अरे नहीं, मैं वहां पे क्लच कर सकता था यार, रात होने थी, वैसे वहां पे क्लच करने का कोई रीजन नहीं। मैंने कहा गार्डन गलन को मार दिया। तो चलो हम चले। ओ कंट्रोल नहीं है वैसे। चलो किधर थी यार वो जगह, शायद यहाँ पे। अरे किधर गई यार, यही पे तो माइन किया था, ये रही। वहां पे कोई क्लच करना पड़ेगा मुझे। कोई क्लच होता है जिससे मैं करूं? क्लाइम क्लच होता है, बेड का क्लच नहीं, बेड वो बेड का क्लच बहुत मुश्किल होता है, कोई क्लच करना ही पड़ेगा। और मेरे पास तो ज़्यादा है भी नहीं आयरन, फिर मैं बकेट भी नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे इतना पानी के हाथ से उठा के वहाँ पर डाल दे, ऐसे क्या होता है वाटर ब्लॉक बना के वहाँ पर डाल दिया अरे सीधा पानी नीचे। तो ए मेरे घर के आने का दूसरा रास्ता, वो क्या मैंने एंट्री मारी एकदम फॉल डैमेज बिल्कुल। हेलो कुछ तो करना पड़ेगा और ये बहुत रिस्की है। मुझे चीप यूज करनी पड़ेगी रात होने के लिए, वैसे यार पर ये चीट हो जाएगा इसलिए मैं चीट। ओए ये मैं इतनी देर से ये उठाया ही नहीं, वो आ जा, आ गया, आ जा। और
ये भी आ जा, और ये फैदर भी चाहिए होते हैं बो को बनाने के लिए, तो ये चेस्ट भी ले लेते हैं। भाई मैंने इतनी तो से माइंड नहीं किया, और ये बेड लेके वहाँ पे लगा देता हूँ। नहीं ये हाँ हाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्लच करने के लिए, तो ये क्लच बहुत डेंजरस है। यहाँ पे वाइट पार्टी लग देता हूँ, पर ये उठा लिया मैंने ये, और यहाँ चेस्ट को भी बड़ा कर देता हूँ। चलो हो गया, अब तैयारी करनी है बस क्लच करने के लिए, और यहाँ पे होनी चाहिए रात। यार मुझे इतना वेट करना पड़ेगा अब, तो मैं आपसे मिलता हूँ जब ये हो जाता है रात। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, अब मैं चलता हूँ, यार कितना वेट करना पड़ा है। चलो अब क्लच के का टाइम है, यार मैं तो इतना क्लच प्रो नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे बस क्लिक करते रहना है। यार बेड ना प्लेस हुआ ना कुछ हुआ, एक सेकेंड वो मैं इधर ही आ चुका है। मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट भी था यार, शायद उस वाइट वाले पे ही था जो मैंने तोड़ा। चलो अब मैं जाके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ पहले। और ये गया मैं, ये तोड़ दिया। अरे यार ये बेड इतनी मुश्किल से रात हुई, बल्कि मिडनाइट हो गई है ये तो। और अगर मैंने ये लगा दिया तो मेरे लिए नीचे जाना तो आसान हो जाएगा रात को, क्योंकि मैं वहाँ पे बस क्लिक करके क्लच करके जा सकता हूँ। ओके अबे यार ये कितना मुश्किल है। काही ड्रीम जैसी ड्रीम जैसा मैं भी क्लच कर लेता। क्या व्हाट द, मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया। हाफ हार्ट रह गया ये, हाफ हार्ट। चलो 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 यार ये कंट्रोल बार बार नहीं काम करते, खराब हो जाते। चलो आगे डीप को एक्सप्लोर करना। यहाँ पे बेड लगा देता हूँ, रिस्पॉन पॉइंट सेट बेड। अब टाइम है इनको मारने का, आ जाओ किसी को मारने। अब कोई नहीं मार सकता मुझे, तू मारेगा। मैं फेस को चलना फिर मारी, एक मुक्का भी नहीं मार पाएगा। मुझे बेड लेके जाना होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ फाइट के लिए ये किया था, और मुझे नहीं लगता था कि मैं ये फाइट जीतूंगा। जहाँ भी मुझे मॉब्स दिखेंगे वहाँ पे मैं बेड प्लेस कर दूँगा। ओके ये क्रीपर डेफिनेटली मुझे तोड़ देगा, मेरा बेड को भी तोड़ देगा साथ में। What the diamond? शुक्र है मैं पिकैक्स लाया हूँ। Oh no! तू मेरे डायमंड को मार सकता। यार क्या? पर मेरे रिस्पॉन पॉइंट पर तो नहीं है। अब तो तू गया। मेरे डायमंड को
मेरे प्लीज ये तीनों फिर मैं भाई एक तो, अरे यार ये तो दो निकला हो गया कैसे सर्वाइव किया मुझे नहीं पता कि मुझे डायमंड नहीं मिलेगा यार और मुझे लेना होगा अपना बेड इधर भाई दो डायमंड मिल गए बस एक और चाहिए बस एक और डायमंड के पिक पूरे मतलब पूरे के पूरे वो पूरे के पूरे क्या मतलब वो आयरन के टूल के बराबर डायमंड मिला चलो वैसे तो मैंने डायमंड से पूरा फुल डायमंड आर्मर एंड टूल भी बनाए हुए हैं पर वो एक मॉड में एक डॉग होता था वो भी बहुत फाइंड करना बहुत डायमंड जैसा रेयर होता था और चलो मैं क्या बोल रहा था वो यहाँ पे अंदर मैंने छोटू 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 पर छोटू मामा आए पर छोटू मामा ने तो नहीं मारा ना अरे यार बार बार आ जाता है खतरनाक होती है और मैंने तो एक बार छोटा स्केलेटन भी देखा है पर वो बहुत रेयर होता है ढूंढना चलो चले हम डायमंड की खोज में आयरन की खोज में चलो 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 मेरे पास आयरन की पिकैक्स भी नहीं है गोल्ड माइनिंग कर रहा था तुम देखो याद आई जल्दी छूट जल्दी छूट मैं पानी के अंदर हूँ जल्दी कर जाओ जल्दी कर ले ओ जल्दी कर ओ क्या किधर गया मिल गए मिल गए क्योंकि मुझे उठाने की आवाज़ आई है बस एक और डायमंड चाहिए मैं रेडस्टोन भी ले लेता हूँ यार मैं हर कुछ सारा कुछ ले सकता था फिर भी मैं आया यार ये क्या कर रहा था मैं तुम्हें चलो चलो हम ओ यहाँ पे आयरन है एक आयरन से क्या कर सकते हैं 200 आयरन नहीं कर सकते हैं एक आयरन की पिकैक्स बहुत कुछ है। लगा था पर ये सूची में है मेरे पास तो ब्लॉक भी नहीं है यहाँ पे ब्लॉक पे प्लेस हो जाएगा फिर मैं क्लच करके चले जाऊँगा हो गया मर भी गई थी वो उसका छोटा बच्चा भी मर गया अच्छा मैं इनके ब्लॉक के साथ
प्लेस कर रहा था इसलिए आ रहा था। ये डार्क नहीं है, शुक्र है मैंने पार्कौर नहीं किया। वैसे क्लच में तो मैं ये तो कर लेता हूँ, ये मेरे लिए अब थोड़ा सा आसान है, पर ये मैं गलती से वो प्लेस हो गया था तो मैंने कहा सही से कंफर्म करना चाहिए था यार, वरना अभी मैं गया था यार। चलो अब टाइम है आयरन को माइन करने का। ये वीडियो 30 मिनट की बन गई है, पता नहीं ये कोई पूरा दे यहाँ पे आएगा भी कि नहीं देर तक। अभी देखना है कि ये कितने बन गए थे, ऐसे ना और यहाँ पर एक और भी था। अरे यार पूरा आर्मर ही बना लूँगा, वैसे इसे स्मेल्ट कैसे करूँ, ये स्मेल्टिंग मुझे बहुत बोरिंग लगती है। 12 हुआ है, चलो चले हम और यार बहुत थक गया मैं, वीडियो बनाने में मेरे पसीने क्यों छूट जाती है। स्टार्टिंग से आ गया क्या जहाँ से मैं माइन करके आया था? हाँ मैं वहीं पे आ गया। चलो अब फिर से इस साइड को निकलता हूँ, मतलब मैं वहाँ से घूम के आ गया। चलो क्रीपर तेरी मैं ऐसी की तैसी, अगर तू फूटा कर मुझे मारेगा। लो दो चार ब्लॉक की माइन की, ये क्या था क्रीपर? और शायद ये स्टोन थे इसलिए, डायमंड पे क्या पता एक भी ना माइन करता हो, या नेदरराइट पे, अच्छा नेदरराइट पे होता ही नहीं है इसलिए, क्योंकि इसलिए वो टूटता नहीं है, वरना तो टूट जाना चाहिए था वो ट्वेंटी से। चलो चले हम ओके, कितना गोल्ड मिल चुका है मुझे, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पर गोल्ड मुझे आयरन से कम मिले नहीं, ज़्यादा मिला 14 मिला गोल्ड। और मुझे हर जगह मुझे आयरन है, मुझे लगा मैं क्या, मुझे लगा कि हर जगह मुझे आयरन क्यों मिल रहा है, पर हाँ मिलना चाहिए क्योंकि आयरन ही तो हमारा आज मोटिव है। गया रा भाई, कितने इजी फॉल से मैं गिर गया। चलो फिर मुझे बना स्पीड ब्रिज भी तो कर सकते हैं, स्पीड ब्रिज कर सकते हैं, ये तो दूसरा वाला था वो गिरना दे। वैसे मैं ये भी तो कर सकता हूँ, यहीं से तोड़ के नीचे जाके उठा लूँगा। मुझे ये नहीं पता, पर चलो उस पे रिस्पॉन पॉइंट सेट तो है ना, एप्पल ओए। आ गया, अभी क्या था यहाँ पे मुझे ऑब्सीडियन भी मिल, क्यों मैं लावा के ऊपर से चल के आ गया। नहीं अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा, चल मर गया रे।
ये तो ऊपर भी बहुत सारे है। मेरे पास आयरन कितना हो गया? चलो अब तो ज्यादा हो गया कोल से। ये कितना ऊपर जाते हैं, मुझे तो ये खेल खेल के भाई बोर हो रहा है, क्योंकि ये गेम में मुझे भाई बहुत जल्दी मिल रहा है आयरन। और ये मैंने ये बोल दिया तो आयरन ओके डीप स्लेट। अरे मेरे पास कितने सारे ब्लॉक्स हैं, फिर भी मैं इनके उठा देता हूँ, ब्लॉक्स वेस्ट नहीं करने। मैं गलत साइड से आ गया, अब तो वेस्ट करने पड़ेगा। ओए होए चढ़ जा, ओ ऊपर आ गए ब्लॉक्स। मैं ऊपर तो माइन करना नहीं शुरू हो गया ना? नहीं वो आयरन है, हाँ वो आयरन है, वो आयरन है, वो आयरन है, वो आयरन है। चढ़ जा ऊपर, मुझे आयरन बहुत दूर से दिख जाते हैं। और ये चलो पहुंच गया मैं आयरन तक, पर ये वो वाली आयरन नहीं है जो इतने सारे थे। चलो यहाँ पे मुड़ के देखता हूँ, शायद वहाँ पे वो यहाँ पे हूँ। नहीं ये वो सारे वाली ही हैं। अरे यार यही लाइट कर रहे थे। नीचे भी करा क्या? नहीं वहां पे भी आयरन। मैं स्पीड बेच कर लेता हूँ वापस। ओए होए क्राउच करके नहीं, इतना सारा आयरन छोड़ दूंगी। चलो पर इतना काफ़ी है, 21 से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बन सकता है। पूरा मेरा बेड अगर रिस्पॉन पॉइंट से नहीं दिया तो फिर से कर देता हूँ। और यहाँ पर और आयरन, तो गाइज हमारा शायद मोटिव तो कंप्लीट हो गया है, पर मैं मुझे चलो मैं ये स्मेल्ट करके नहीं, चलो अब मैंने अपना मोटिव कंप्लीट कर चुका हूँ। और नहीं, मैं मोटिव कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं क्या कह रहा था। अब आज की वीडियो ख़त्म हो रही है, तब तक के लिए बाय बाय। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।